समर समर आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वॉइस क्लियर है? यस मैम। ओके, सुमित वन का वन से आठ मुझ मुझे बताते जाना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सबको आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। हाँ, सो बच्चों आपका एग्जाम कब से है बताइए? मैम सिक्स सिक्स से है। सो कितना रिवीजन किया था उस दिन हमने, बताइए जल्दी। मैम आपकी बात सही थी मैम। पेज ना, वो चैप्टर नंबर वन पर आ जाइए, हनी सकल का। बच्चों सब लोग हनी सकल का चैप्टर नंबर वन पे आइए। फूड डेट पैटर्न होमवर्क। इसका क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या है कि व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। क्या होगा इसका आंसर बताओ? पैट्रिक को क्या लगा उसकी जो कैट है किससे खेल रही है, बताइए। सुमित। यस मैम। आंसर बताओ क्वेश्चन का, क्या है फर्स्ट वाले का कि पैट्रिक को क्या लगा उसकी कैट किससे खेल रही है, बताइए। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, इट वाज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ। तो पैट्रिक जो सोच रहा था कि उसकी उसका जो कैट है वो किसी डॉल से खेल रही है, लेकिन उसकी कैट किससे खेल रही थी? एक लिटिल साइज्ड मैन से, मतलब एक छोटे से मैन से, जिसको क्या कहते हैं, एल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्फ। एल्फ कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया बच्चों? यस मैम, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। So why did the little man grant Patrick a wish? So what's the question of this? What's the answer of this question? बताइए। Patrick had saved the tiny man's life from the cat by not handing him back to the cat, so he promised to fill one wish of Patrick. Correct. 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 Harsh. Now come to the third question. Third question को बताइए आंसर क्या है? What was Patrick's wish? Patrick की wish क्या थी? Mam homework. Patrick hated doing homework. His greatest wish was क्या? Mam उसका homework करना था mam tiny man को। उसकी ग्रेटेस्ट विश क्या थी? दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन, है ना? चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर। एंड द क्वेश्चन इज, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। सो व्हाट वाज, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों?
The little man needed Patrick to help him at English and history. Very good. Now come to the sixth question. So sixth question kya hai? Ki how did Patrick help him? Patrick ne little man ki help kaise ki? बताइए बिल्कुल बताओ. It was Peter himself who did all the homework. He had to help the Eve again and again with pen and book. Correct. Now see the sixth question. Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reasons for your answer. बताओ कौन उसका होमवर्क किया था. क्या लगता है आपको, क्या पैट्रिक ने खुद किया था? यस मैम, पैट्रिक ने मैम करा था होमवर्क. हाँ, सो आंसर बताइए क्या होगा, पढ़ के बताइए. इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड ऑल द होमवर्क. ही हैड टू हेल्प एंड कीप अगेन एंड अगेन विद रेशन एंड बुक. करेक्ट. सो इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ जिसने अपना काम जो होमवर्क था उसको कम्प्लीटली किया. ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम अभी आने वाला है और फर्स्ट एग्जाम आपका कौन सा है? इंग्लिश. इंग्लिश इंग्लिश का है. सो नाउ सी. हाँ बोलो समर. वो हर मैम ग्रामर में भी आप देंगी मैम? बिल्कुल, हमने बताया नहीं आपको डायरी एंट्री? Yes, ma'am. Ma'am, बुक नहीं है ना. बुक ले लेना चाहिए था ना, अभी तक आपने बुक नहीं ली. मैम मैंने सर से पूछा था, सर बोले थे कि कॉल करना फिर कल. तो अच्छा पापा देखो भी हमने हमने मैम सुपर मैट्रिक की सप्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री है. तो सुमेर पास है. हाँ सुमेर, जो ग्रामर में हमने आपको बताया ना, डायरी एंट्री आएगा या फिर आपके लिए आर्टिकल आ जाएगा, वो हमने आपको दिखाया था कि नहीं पूरा पूरा आर्टिकल और डायरी. तो बस वैसे ही आप याद कर लीजिएगा. देखो वैसे ही आप याद कर लेना, समझ रहे हो हर्ष? वैसे ही याद कर लोगे, उसके बाद जो आपको टॉपिक दिया जाएगा उसी तरह से वैसे ही उस टॉपिक को देखते हुए आप आंसर लिख देना. जैसे हमने आपको बता दिया कि डायरी एंट्री में सबसे पहले डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, फिर लिखना है डियर डायरी. तो डियर डायरी अब हमने आपको टॉपिक दे दिया है कि हर्ष आपको लिखना है कि आप मेले में गए थे तो आपने क्या क्या देखा. तो आप डियर डायरी के नीचे से स्टार्ट करोगे कि व्हेन आई वाज इन द फेयर आई सी मेनी लाइट एंड डीजे एंड मेनी पीपल अराउंड माई सेल्फ, है ना, और बहुत सारा क्राउड देखा. ऐसे कई सारी चीजें आप उसमें मेंशन कर दोगे, चार पांच लाइन का एक पैराग्राफ लिख दोगे, लास्ट में अपना नाम लिख दोगे, खत्म डायरी एंट्री. आर्टिकल में भी आपको यही करना रहता है, बस आर्टिकल में बच्चों फैक्ट्स लिखते रहते हैं. अगर हमने आपको बोला है कि अपने आसपास के सफाई के ऊपर एक आर्टिकल लिखो या फिर जो बेरोजगारी है उसके ऊपर आर्टिकल लिखो या कोरोना वायरस के ऊपर एक आर्टिकल लिखो, तो आपको जो सही सही चीजें हैं वो लिखनी पड़ेंगी कि कोविड 19 कैसा वायरस है और कितना नुकसान हो रहा है इस वायरस से हमको, है ना. ये सारी चीजें आपको लिखनी है, फैक्ट लिखने रहते हैं. क्या क्या बोल रहे हो हर्ष? मैम बोल रहे हैं जैसे मैम कोविड 19 में कहां से आया है. हाँ तो देखो आर्टिकल में आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं और डायरी एंट्री में आपको अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस लिखना होता है, समझ रहे हो? हाँ चलो, जैसे आप किसी को बताते हो ना, आप समर को मिलोगे तो बताओगे समर यार मैंने मेले में ये देखा वो देखा, तो वैसे ही सेम डायरी को अपना दोस्त बताकर उसको लिखना होता है. चलो नाउ कम टू दिस चैप्टर. तो अभी हमने क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लिया एंड सुनो सुमित हर्ष विश्वास समर, सुन रहे हो? यस मैम. यस मैम. आप चारों लोग अभी रिमूव बिल्कुल नहीं होना है, अभी रिवीजन करने के बाद हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? यस मैम. हाँ तो मेक श्योर कि आप लोग रिमूव नहीं होने चाहिए.
चलो अब ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसके देखो आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसने नहीं किया है वो एक बार रिवाइज कर लेगा, सारे आंसर्स आपके यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, पेपर में भी ऐसे ही नीचे आंसर। पेपर आपका, हाँ क्वेश्चन अगर फिल इन द ब्लैंक से आया है तो आपको आंसर्स ये लिखने हैं। और ये आपका देखो आउट ऑफ लास्ट सिक्स है क्या मैम, ऑप्शन दिया रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन दिया रहेगा, जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन मैम आप क्या पढ़ा रही हैं? बच्चों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आपका एग्जाम बहुत पास में है तो इंग्लिश का एग्जाम आपको फर्स्ट देना है, तो हम लोग अभी यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। समझ गई निकिता? Yes. हाँ yes, निकिता आप पुराने स्टूडेंट हो? Yes, ma'am. न्यू एडमिशन हो कि पुराने स्टूडेंट हो? मैम पुरानी है। अच्छा पुरानी है, चलो मैम निकिता। हाँ बोलो मैम। कुछ मैम निकिता आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है हनी सकल का, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक के आंसर देखे हैं। अब इसके बाद थोड़े बहुत ये वाले एक्सरसाइजेस एक बार देख लीजिएगा, आंसर आंसर ये सब ऑप्शंस के थ्रू करने हैं, कुछ भी अलग से नहीं करना है, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग रीराइट वाला, एक बार ध्यान से देख लीजिए रीराइट वाला। यहाँ पे आपको दोबारा से सेंटेंस लिखना है, तो रीराइट द फॉलोइंग टू कंप्लीट सेंटेंसेस केयरफुली। तो मोर एंड मोर बुक्स का क्या हो जाएगा? The writers and poet read more and more books. तो यहाँ पे the writer और poet रीराइट के क्या हुआ? मैम रीराइट के ऊपर वाला क्या है? वो सेंटेंस दिया हुआ है आधा, तो रीराइट करके आपको ये कंप्लीट कर देना है, ये वाला इससे कंप्लीट कर दिया है, ये आधा दिया हुआ है सिर्फ। मोर एंड मोर बुक्स, तो आपने क्या कर दिया है? द राइटर्स एंड द पोएट रीड मोर एंड मोर, सेंटेंस बना देता है। हाँ, इसकी हेल्प से आपको पूरा सेंटेंस बना देना है। अब इसका टू डिफिकल्ट को आप इससे मैच करोगे, मतलब ये मैच नहीं करना है, सिर्फ आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर टू डिफिकल्ट। हाँ यस मैम, तो इससे आपको, आपने क्या बना दिया? दिस पर्सनल क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, तो दिस पर्सनल क्वेश्चन ये आपका इसमें आपने जोड़ दिया है इसमें। yes, चलो अब दूसरा देखो क्या है इसका, थर्ड वाले को आपने किससे जोड़ना है? इससे जोड़ना क्या है आपको? कंप्लीट करना है। सो ये दिया है ना यहाँ पे गॉट अप लेट, तो क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा? When I got up late yesterday morning, I missed my school bus. बस समझ गए? Yes, ma'am. हाँ, तो ये हो गया आपका इसका रिवीजन। Now come to the chapter number two. Chapter number two क्या है बच्चों, नाम बताइए? How the dog found himself a new master. So, बच्चों see the question answers of this chapter. Yes, ma'am. सबसे पहला है discuss these question in pairs before you write any answer. So why did the dog feel the need for a master? Dog को master की need क्यों लगी? क्यों उसको लगा कि मुझे master की जरूरत है? So अच्छा, हर्ष, निकिता, ऋषिता, समर, सुमित एंड निहारिका, आप सभी लोग, अभी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा, तब तक आप लोग में से कोई जाना नहीं चाहिए, ठीक है?
बात सुनने के बाद, कंप्लीट बात सुनने के बाद जाना है। चलो सेकंड चैप्टर का पहले हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग वो जो इम्पोर्टेंट बात है उसको डिस्कस करेंगे। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि डॉग को अपने मास्टर की नीड क्यों फील हुई, तो बताओ बच्चों क्या है आंसर? द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वर सिक एंड ट्राइड वेजिंग अबाउट About alone, looking for food and afraid of those who were stronger than him. चलो, come to the question number two. Who did the first choose as his master? Why did he leave that master? The dog first choice a big strong fierce wolf. His master won the dog saw the wolf and upright that the bear would eat. The dog band are only strongest. He left the wolf and asked the bear who was strong than the bear wolf to be his master. तो डॉग ने पहले फेयर्स वुल्फ को चुना मास्टर के लिए, फिर उसने देखा वुल्फ डर रहा है, वो तो इसको तो बियर ही खा जाएगा, तो उसने बियर को चुन लिया ना। ऐसे कई सारे उसने चूज किया, लेकिन फर्स्ट उसने किसको चूज किया? वुल्फ को। वुल्फ को, हाँ। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड ही चूज नेक्स्ट, और उसके बाद वुल्फ के बाद किसको चूज किया? ही चूज द बियर टू बी हिज मास्टर। वुल्फ के बाद उसने बियर को चूज किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? He served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the forest, and so on to no one dared to touch the dog of a friend him in any way. Three, four, the lion for a long time. The dog lived happily by serving the lion for a long time. देखो इतना बोलने के बाद भी निकिता रिमूव हो गई है। बता रहे हैं कि कुछ डिस्कस करना है, फिर भी निकिता रिमूव हो गई है, या फिर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई हो। मैम मेरा भी मैम बार बार मेरा रिकनेक्टिंग हो रहा। हाँ तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम होगा। अच्छा बहुत अच्छी बात है सुमित। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। He finally chose man as his master because one day he realized that lion was afraid of man as he wanted to serve someone who was that most powerful and stronger than anyone earth. He chose man as his master. Correct. Very good. चलो सबको समझ में आ गया बच्चों question answer इस chapter के? Yes ma'am. हाँ. तो अब हम लोग देखेंगे इस chapter में कि और कौन-कौन सी exercises हैं। हाँ बोलो। मैम एक मिनट screen shot कीजिए। अच्छा save भी कर सकती हो? मैम हो गया। ठीक। निकिता वैष्णवी, निकिता एंड वैष्णवी, निकिता वैष्णवी देखो इन लोग का माइक नहीं आ रहा है। निकिता? यस मैम। व्हाई आर यू एवरी टाइम रिमूविंग? क्या रिमूव क्यों हो जा रही हूँ निकिता? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ निकिता
नेटवर्क नहीं है बेटा। अच्छा यस मैम, कोई बात नहीं, लेकिन निकिता अभी थोड़ा सा नेटवर्क जहाँ पर हो ना ऊपर की तरफ रहा करो, जैसे छत हो अगर ऊपर तो खुले में रहो या ऊपर की तरफ रहो तो नेटवर्क थोड़ा पकड़ेगा, ठीक है? यस मैम, छत पर है। हाँ अब देखो सब लोग मेरी स्क्रीन देखो, मेरा यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम। हाँ बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड के ऊपर मोबाइल दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पर आप टच करोगे, यहाँ पर टच करोगे तो एक पेन जैसा ऑप्शन दिख रहा है, पेन जैसा। Yes, पेन yes, ma'am. है, ये साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे माइक के ऊपर, तो इस पे अगर टच करोगे, इस पे टच करोगे तो देखो यहाँ पे आपको पेन दिख रहा है, सेव, इरेज, है ना? Yes, ma'am. तो आप लोग जो है सेव वाले ऑप्शन पे टच कर दोगे तो ये देखो सेव हो गया, जो स्क्रीन है ना ये सेव हो जाएगी। तो निकिता आप ये हाँ, जिसको नहीं आता है निकिता आप इसको सेव करो, सेव करने वाले पे टच करो और ये जो पेज है इसको सेव कर लो। मैम हो गया? हाँ गुड। तो ये क्वेश्चन आंसर है पेज वो चैप्टर नंबर 2 के, हनी सकल के। अभी हमने फर्स्ट वाला किया था चैप्टर, अभी ये 2 है। बच्चों अभी मैम आवाज बहुत आ रही है। यस मैम, यस मैम। हाँ बेटा आप रिमूव नहीं होना, ये चैप्टर नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे थे, देखो फिर रिमूव हो गई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसकी तरफ नेटवर्क की, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए ये जो एक्सरसाइज है ना फिल इन द ब्लैंक्स, इसका ये वाला आंसर है। यस मैम। हाँ तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये वाले जो है ये इसके आंसर है, ये। यस मैम। अब आ जाओ नीचे एक्सरसाइज पर एक बार देख लो, वर्किंग, हाँ वर्किंग विद द लैंग्वेज, इसकी भी सारी ये एक्सरसाइजेस है मैम। ठीक है पूरा आप लोग देख लीजिए, ठीक है? अब इसके नीचे देख लो एक और एक्सरसाइज है, ये मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स, दिख गया? तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। चलो बच्चों अब ये रिवीजन हो गया 2 चैप्टर का, हमने आपको एक जो फर्स्ट पोयम है उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको कराया है ना, अ हाउस अ होम। मैम काम भी कंप्लीट है, काम सारे कंप्लीट करने, ये जो एक्सरसाइज बताई है ना इसको पूरा काम आप लोग देख लीजिएगा, आज यूट्यूब पर ये वीडियो जाएगा, जिसका नहीं हुआ है यूट्यूब पर वीडियो जाएगा, वो सारी एक्सरसाइजेस को यहाँ से देख के कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। चलो अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों का, ये बताइए कि अभी 15 अगस्त को क्या होता है? मैम इंडिपेंडेंस डे होता है। हाँ इंडिपेंडेंस डे होता है, तो इंडिपेंडेंस डे को हम लोग क्या करते हैं स्कूल में? मैम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, और बताइए प्रोग्राम होता है, और मैम हम लोग क्या क्या होता है कार्ड, मैम कार्ड भी हम लोग बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे का, चार्ट भी बनाते हैं, और इससे अलग कुछ क्रिएटिव मैम भी होता है। मैम क्या होता है? मैम डांस, वेरी गुड। और इसी तरह पोयम भी होता है मैम, हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं। नहीं नहीं एंथम तो गाते ही हो तो हम लोग सब मिलके गाते हैं, लेकिन अपना अपना क्रिएटिविटी सिखाने के लिए पोयम सॉन्ग है ना, मैम ट्रेन भी करते हैं मैम, 15 अगस्त के बारे में कुछ। हाँ तो बच्चों देखो, ऋषिता, सुमित, निहारिका, निकिता एंड वैष्णवी, आप लोगों में से आप लोग बताइए मुझे
कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है या कर सकता है, बताइए। हम कर सकते हैं, रिशिता कर सकती है, ये इसी में इंडिपेंडेंस डे में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। मैम क्या करना है, जितनी चीजें आपने बताई हैं अभी उसमें से कुछ भी। मैम ने बोला था कि 29 स्टेट में जो भी स्टेट ले लेना फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। हाँ एक्सप्लेन भी कर सकते हो और कुछ अगर सॉन्ग अगर आपको आते हैं है ना, कोई पैट्रियोटिक कोई देश के ऊपर कोई अच्छा सा सॉन्ग आता है तो वो भी आप गा सकते हो है ना। मैम तो अच्छा ये बताओ बच्चों कि आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जो कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो हिंदी इंग्लिश के अलावा? नहीं आती मैम। अच्छा आप लोगों को सिर्फ हिंदी ही आती है? मैम हिंदी और इंग्लिश, थोड़ी इंग्लिश। हाँ मतलब इसके अलावा तो और कुछ नहीं ना। क्या बोल रही थी कि मैम 29 स्टेट में जो भी ले लेना, पंजाब उसकी ड्रेस पहन लेना, यूनिफॉर्म ड्रेस पंजाब उसके बारे में बता देना, क्या खास उनको क्या पसंद है, और उस दिन भी एक मिनट का वीडियो बना के सेंड कर देना नोटिस आएगी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रेडी भी तो होना पड़ेगा ना उसके लिए। मेरे पास पंजाब वाला ड्रेस है, हम पटियाला सूट है। वेरी गुड ऋषिता, तो डांस करोगी क्या पंजाबी में? नहीं मैम। नहीं करोगी? नहीं मैम, मैं स्कूल तो आ ही नहीं पाएंगी मैम। स्कूल नहीं आ रहा है, आप अपने घर से वीडियो बनाकर स्कूल में सेंड कर सकती हैं। यस मैम। हाँ तो और बताओ और कौन-कौन करना चाहता है? उत्तर प्रदेश में क्या पहना जाता है बेटा? उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी खड़ी बोली। और यहाँ पे यूनिफॉर्म में कुछ नहीं खास, कुछ नहीं, इंडियन हो सकता है, कुर्ता पजामा हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हमारा कैपिटल है ना, तो लखनवी कुछ पहन सकते हो जैसे कुर्ता पजामा हो गया, नवाबी कुछ। हाँ ट्रेडिशनल कुछ भी। यस तो और क्या करना है बच्चों आप लोगों को बताइए, कुछ कोई मतलब आप लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करता आपकी क्लास में? कौन मैम राची करती थी, मैम मिताली भी करती थी। और मिताली भी तो प्राची मिताली से कांटेक्ट करो, पूछो उन लोगों से कि मैम ने बोला, किसी के पास नंबर है उन दोनों का? मैम मेरे पास है। मैम मेरे दोनों का है। हाँ तो आप लोग में से आप लोग पूछिए और फिर बोलिए कि मैम क्लास ज्वाइन करो और बताओ मैम को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो मैम वो लोग मैम जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं क्यों नहीं करते, कुछ पता है रीजन? नो मैम। अच्छा तो आप लोग बात करके मुझे बताना ठीक है, उनको बोलना ज्वाइन करो। यस मैम। यस मैम। और ये इंडिपेंडेंस बता जिसको बता सकते हो। प्राची पहले आती थी। हाँ प्राची तो कभी कभी आती थी, प्राची तो ज्वाइन कर सकती है, उसको बोलना एक बार वो ज्वाइन करेगी। यस मैम। देखो हम आप लोगों को कुछ आइडिया भी देते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसको स्पीच देनी है वो स्पीच भी दे सकता है, अच्छी अच्छी आप लोग स्पीच भी दे सकते हो किसी और कल्चर के बारे में ना, जैसे अभी बता रहा था हर्ष, तो किसी और कल्चर के बारे में आप उसके बारे में बता सकते हो कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सा फूड खाया जाता है ना। देखो यस
मैम वहाँ जब पंजाबी में मैम लस्सी और पराठा बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ सही है। सरसों की साग भी। हाँ सरसों का साग भी, और हो सके तो एक आध लाइन पंजाबी में भी बोल सकते हो अगर कहीं से मिल जाए इंटरनेट से, तो एक लाइन या कुछ भी एक कोड है ना कुछ ऐसा। मैम बाटी चोखा कौन से? बाटी चोखा, चोखा तो यूपी का है, यूपी बिहार, यूपी में मैम बिहार का ज्यादा है मैम। हाँ यूपी में भी है, भोजपुरी बोली जाती है वहां पे बिहार का, निहारिका। यस मैम। पार्टिसिपेट नहीं करती हो क्या? सब्जी डाल के बना रहे हैं। नो मैम, बना रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं मैम। हाँ चलो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग अपना डिसाइड करके कल हमको क्लियर बता देना ठीक है? यस मैम। यस मैम। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू मैम।